दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न निकाल के दिखा सकता है, और स्टॉक की क्या एनालिसिस बैठ रही है, आपके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टॉक के लिए, और इसके अंदर किस तरीके से आप लोगों को एंट्री का प्लान करना है, क्या इसके अंदर व्यू बन रहा है, सब हर एक चीज डिटेल के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे तो आरबीएल बैंक का मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, और मंथली चार्ट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो कंटिन्यू आरबीएल बैंक अपने अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करना है। ऑलमोस्ट 88 रुपीज से इसने 170 रुपीज, मतलब यहाँ तक के इसने डबल रिटर्न दिखा दिए है। और यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में आप लोग आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर एक बुलिशनेस है और आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले अगर आप लोगों को मालूम है दोस्तों, तो मैं अपने वीडियो के अंदर हर एक वीडियो के अंदर क्या करता हूँ, अपने ट्रैपिंग लेवल्स को प्लॉट करता हूँ। और ट्रैपिंग लेवल जिस तरीके की होती है ना दोस्तों, ट्रैपिंग लेवल अगर आप लोग देखोगे तो ट्रैपिंग लेवल के आसपास ही मार्केट क्या करता है, घूमता है, वहीं से एक अपर साइड के मोमेंटम या फिर डाउन साइड के मोमेंटम की स्पाइक एक दिखाता है। अगर आप लोग देखोगे दोस्तों तो किस तरीके से ट्रैपिंग लेवल को प्लॉट किया जाता है, कौन सी लेवल जो है ना उसके ऊपर या नीचे प्राइस सस्टेन होने से बुल्स को या बियर को ट्रैप किया जाता है, मैं हर एक चीज आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, और देख देख के आप लोग सीख जाओगे। दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे तो सभी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना दोस्तों, वो मैंने अपने चैनल के चार्ट के ऊपर प्लॉट की है। अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक ने क्या किया था प्रीवियसली, हम लोग इसकी पूरी हिस्ट्री चेक करेंगे। दोस्तों, स्टॉक ने क्या किया था, यहाँ पे क्या किया था, वेज बनाया था। दोस्तों, ये क्या है, एक वेज पैटर्न है दोस्तों, और यहाँ पे इसने क्या किया था, एक वेज पैटर्न का इसने क्या किया था दोस्तों, एक ब्रेकडाउन किया था। अगर मैं आपको आप लोगों को ये लिखा के दिखाऊँ, मैं हर एक चीज प्रोफेशनली दिखाऊंगा दोस्तों, जिससे आने वाले टाइम में आप लोगों को ये चार्ट देखते हुए सीखोगे, समझोगे ये इसने क्या था, एक वेज पैटर्न का इसने क्या किया था, ब्रेकडाउन किया था। उसके बाद में ब्रेकडाउन करते साथ दोस्तों इसने कितने बड़े बड़े नीचे के टारगेट दिखा दिए, ऑलमोस्ट 100 रुपए तक के टारगेट, 600 रुपए से 100 रुपए तक की इसने डाउन साइड की मोमेंटम दिखा दी। अभी ये क्या कर रहा है दोस्तों, मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को वेज के साथ दिखाऊं तो यहाँ पे इसने क्या किया है, देख सकते हो आप लोग, ये ऊपर गया और यहाँ पे इसने क्या किया, डायवर्जेंस बनाया। डायवर्जेंस किस तरीके से बनाया, मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फिर से इसने क्या किया, एक वेज बनाया। दोस्तों, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया, फिर से एक वेज बनाया है। या अगर आप लोग देखोगे कोई ना कोई वेज बनाया, और यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलेंगे। देखो दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी आप लोगों को डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलेंगे, और बुलिश डाइवर्जेंस मार्केट के अंदर बहुत ही कम होते हैं दोस्तों, मिलते हैं देखने के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे, मैं आपको वो बताऊँ तो ये कौन सा है, ये वेज कौन सा है दोस्तों, ये राइजिंग वेज है, ये राइजिंग वेज है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये राइजिंग वेज है, और ये अगर आप लोग देखोगे ना दोस्तों तो ये फॉलिंग वेज है। इसको अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये फॉलिंग वेज है, ओके, ये फॉलिंग वेज है। उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया है, कहीं ना कहीं ये जो वेज है ना, इसका एक ब्रेकआउट इसने कर दिया है, और आने वाले टाइम में यहाँ से एक अपर साइड की मोमेंटम दिखा सकता है। किस तरीके से दिखाएगा, मैं आप लोगों को हर एक चीज डिटेल के अंदर बताऊंगा। ये देख सकते हो, फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, यहाँ रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया, उसके बाद में इसने फोर्थ टाइम क्या किया, इसने ब्रेकआउट किया है विद वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी स्पाइक मुझे इसके अंदर लग रहा है दोस्तों, आने वाले टाइम में ये दिखा सकता है, पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। तो इसके अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना इसका, और एक ये वाला एक लेवल निकल के आ रहा है इसके ऊपर, जैसे ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है ना, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों प्रीवियस स्विंग है, अगर ये प्रीवियस स्विंग को काट देता है ना दोस्तों, तो ये आने वाले टाइम में आप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। हायर हाई, हायर हाई, फिर लोअर आए, फिर हायर हाई, फिर लोअर आए, फिर हायर हाई, फिर लोअर आए करते हुए ये स्टॉक अपने अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। फिर अगर आप लोग देखोगे तो ये वेज टाइप का इसने ब्रेकडाउन किया, इतनी बड़ी मोमेंटम आई, फिर इसने ब्रेज का ब्रेकआउट किया, फिर आप लोग इसके अंदर अच्छी खासी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा खासा एक परफॉर्म कर सकता है। अगर आप लोगों को इसके अंदर मैं पोजिशन लगा के बताऊँ तो कहीं ना कहीं किस तरीके की इसके अंदर अपर साइड में देख रहा हूँ। अगर आप लोग देखोगे दोस्तों तो ये स्टॉक का जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है ना दोस्तों, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं बैठ रहा है, जो इसने स्विंग लगाया है अभी 108, ये 108 के अराउंड इसने कहीं ना कहीं ये 35% का हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, और इनिशियल टारगेट तो यही रहने वाला है दोस्तों 383। लेकिन मैं इसका अंदर इंपॉर्टेंट जो लेवल है इसका, यहाँ तक इसको होल्ड करूंगा 496। आप लोग देखोगे तो ये बहुत बड़े टारगेट से दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता होगा लोग, लेकिन जो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक गिर सकता है दोस्तों, ये कितना है, ये ऑलमोस्ट 500 600 रुपये से 100 रुपये तक, 500 रुपये स्टॉक गिर सकता है। अगर आप लोग ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि 500 रुपये तक ही गिर सकता है, ये किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक कौन इमेजिन करेगा। मैं आप लोगों को हर एक चीज बता रहा हूँ दोस्तों कि किस तरीके से मार्केट के अंदर बिहेवियर होता है। इसने अगर यहाँ से यहाँ तक की मोमेंटम ये दिखाई है ना, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की फिर से मोमेंटम, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये किस तरीके की बियर कैंडल है, फिर से यहाँ से उसी तरीके की बुल कैंडल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद में ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर से एक बुल कैंडल। अगर मैं आप लोगों को रियल टारगेट बताऊँ इसके किस तरीके से रियल टारगेट मेरे बैठ रहे, तो रियल टारगेट यहाँ तक आ सकते हैं,
यहाँ तक ये स्टॉक 600 रुपए तक जा सकता है, लेकिन अपने को सेफ साइड ही खेलना है और आरआर के साथ ही खेलना है, तो 1:6 के आरआर के साथ 500 तक के टारगेट, और अगर बहुत ही सेफ साइड खेलना है तो मैं 374 तक के टारगेट ले सकता हूँ दोस्तों इसके अंदर। मैं इस किस तरीके से आप लोगों को एंट्री का प्लान कर रहा है, सबसे पहले ये मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, अगर आप लोग वीकली चार्ट के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट जो लेवल थी ना मैंने दोस्तों ये ड्रॉ की थी, किस तरीके से इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इसके अंदर। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है, फिर से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है, फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया है, सपोर्ट लिया है, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है, फिर उसके बाद में यहाँ क्या किया, इसने एक डाउन साइड ये मोमेंटम कर दिया और यहाँ पे हम लोग को एक सेटअप भी मिला था। ये देख सकते हो आप लोग किस तरीके से इसने ये चैनल का ब्रेकआउट किया, अभी चैनल पैटर्न के अंदर पैटर्न बनाते हुए इसने ब्रेकआउट किया, और जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ की थी ना दोस्तों एग्जैक्टली देख सकते हो वहीं पे इसने क्या किया, एक ट्वीजर बॉटम बनाया। ट्वीजर बॉटम अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बहुत बुलिश साइन होता है और बॉटम में ही हम लोगों को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसने क्या किया, ट्वीजर बॉटम टाइप बनाया है, और उसके बाद में इसने कंटिन्यू अपर साइड के मोमेंटम करते हुए ये देख सकते हो वॉल्यूम के साथ ये जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया था इसका भी ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत सेफ दोस्तों ये वाला स्टॉप लॉस है 1:106 का, अगर बहुत सेफ स्टॉप लॉस आप लोगों को थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो 136 का 137 का भी स्टॉप लॉस इसमें बेटर है। एटलीस्ट आपको 300 रुपीज तक के टारगेट तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो देख सकते हो प्रीवियस जो स्विंग है ना इसने इसने इसका भी ब्रेकआउट कर दिया है और आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। दोस्तों इसी तरीके की प्रीमियम एनालिसिस आप लोगों को सीखना है समझना है तो आप लोग चैनल को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग हर एक चीज फ्री के अंदर सीखे समझे और मार्केट के अंदर पैसा बना पाए। दोस्तों जो चीजों के लिए आप लोग हजारों लाखों रुपए देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप लोगों को यहाँ पे ये सब पेड पेड कोर्सेज के अंदर सिखाया जाता है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये जो चैनल के मैं नाम बता रहा हूँ, फिर ये जो चैनल निकाल के बता रहा हूँ, ये लाइव जो सब चीजें लाइव चार्ट निकेट चार्ट के ऊपर आप लोग करके दिखा रहा हूँ ये दोस्तों, लोग इसके लिए पैसे चार्ज करते हैं, हर एक चीज के लिए पैसे चार्ज करते हैं। आप लोग इसके अंदर देख सकते हो किस तरीके से आप लोग चार्ट को देख रहे हो समझ रहे हो, अगर आप लोग देखोगे दोस्तों तो इसका प्रीवियस बिहेवियर में हर एक चीज आप लोगों को बताता हूँ। ये कोई ना पैटर्न बनाता है और पैटर्न बनाते ही साथ ये क्या करता है अपने अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसने क्या किया है, ये एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, लोग क्या सोचेंगे इसका ये ब्रेक डाउन देगा, नहीं दोस्तों इसने क्या किया ब्रेकआउट करते ही साथ इसने बहुत बड़ी एक अपर साइड के मोमेंटम दिखा दी, इसने यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 100% तक की अपर साइड दिखा दी, फिर इसने क्या किया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसका इसने ब्रेक डाउन किया। मैं आप लोगों को इसका बिहेवियर अगर दिखाऊं तो ये क्या करता है, जितना जो भी पैटर्न है उसका अगर प्रोजेक्शन आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये तो इसने यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैलकुलेट अगर आप लोग देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे इसने बनाया, और अगर इसके ब्रेकडाउन के बाद अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो वहां तक की इसने मोमेंटम भी आप लोगों को दिखा दिया। एग्जैक्टली देख सकते हो यहाँ तक की मोमेंटम दिखाई, अभी इसने क्या किया ये जो वेज है ना दोस्तों, ये जो इतना बड़ा वेज बनाया है इसने, ये वेज का इसने क्या किया अभी ब्रेकआउट किया है। अगर मैं इस वेज को कैलकुलेट करूँ यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ तो ये वेज जो है इसने ये बनाया था, इस वेज को अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पे भी प्लॉट कर दूँ तो दोस्तों देख सकते हो अपने ये जो टारगेट्स है ना, टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये दोस्तों ये टारगेट ही निकल के दे सकता है ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोगों को चैनल को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर रहा है कहीं ना कहीं लग रहा है दोस्तों, आने वाले टाइम में ये अच्छी खासी अपर साइड दिखा सकता है, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जाइए।